हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग बताएंगे क्या ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे जो रिलायंस निपन लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में, जिसमें कई सारे पैसे लॉस हुए हैं मेरा एक क्लाइंट को, जिसमें मैंने रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे और आप उस रिकॉर्डिंग के द्वारा आप समझ सकते हैं कि किस तरह उनका नुकसान हुआ। क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स हुए, कुछ रुपये रिटर्न दे रहे हैं 29,000 और उन्होंने इन्वेस्ट किया 30,000, तो इसमें क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ आप इस रिकॉर्डिंग के द्वारा आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो सुनिए ये रिकॉर्डिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। जी बोलिए। गुड मॉर्निंग। मेरा एक पॉलिसी है जिसमें 6 साल प्रीमियम जमा किया है, लेकिन अभी एक चेक आया है जिसमें चेक में 29,000 समथिंग अमाउंट दिखा रहा है। तो मैं जानना चाहता था कि क्या ये पैसा इतना ही मिलेगा या फिर और भी मिलने वाला है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। आपने आइडिया से इंटर किया है, आपका पॉलिसी नंबर जो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है 1684178 राइट है। हाँ। आपका शुभ नाम? लक्ष्मण ग्वाला। ओके, लाइन पे बने रहेगा, चेक कर लिए। कलर ही अपने कलर जी जैसे कि मैं आप करके बता पा रही हूँ। जी लाइन पे बने रहेगा। हाँ, लाइन पे बने रहेगा। सर्च हो रही है आपकी पॉलिसी? हाँ सर्च हो रही है आपकी पॉलिसी, लाइन पे बने रहेगा। जी हाँ, सर्च करिए। जी जैसे कि यहाँ पर मैं चेक कर पा रही हूँ, यहाँ पर जो है आपने अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल किया है, आपको जो है वेरिफिकेशन देना होगा। पॉलिसी किन के नाम पे है? नॉमिनी, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ बताना है ना। पॉलिसी किन के नाम पे है वो मुझे बताइए। पॉलिसी तो लक्ष्मण वाला। ओके, नॉमिनी कौन है? तो फादर होगा लक्ष्मण, ये रोहित रोहित वाला। और नेम ऑफ लाइफ नहीं है सर, रॉन्ग बता रहे। नेम ऑफ लाइफ इंश्योर्ड है नॉमिनी। नॉमिनी नॉमिनी एक सेकंड चेक करना पड़ेगा। नॉमिनी चेक करके मुझे बताइए। नॉमिनी कौन सा पेज में होगा मैम? बोलिए। हाँ रोहित, रोहित तो वही होगा, लक्ष्मण ग्वाला नॉमिनी। ओके, और नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ? नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1968। धन्यवाद सर वेरिफिकेशन में सहयोग करने के लिए। पॉलिसी आपकी बंद हो चुकी है। हाँ। ओके ओके, लाइन पे बने रहेगा, आपको बता देती हूँ। हाँ। जी जैसे कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, यहाँ पर जो है टर्मिनेशन की रिफंड 8/4/2021 को 29,526.34 पैसा, ये 8 तारीख को रेडी हो चुकी थी अमाउंट चेक के माध्यम से, ये 19/4/2021 को डिस्पैच कर दी गई है। तो फिर चेक आपको मिला है? जी हाँ।
जी, तो इतनी ही अमाउंट मिलेगी सर, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि कंपनी डिसाइड करती है, आप प्रीमियम पे नहीं करते हो तो कंपनी अपने आप पॉलिसी बंद करवा देती है और टर्मिनेशन की रिफंड आपको दे देती है। जी हाँ, लेकिन 6 साल प्रीमियम जमा किया तो 30,000 प्रीमियम जमा किया तो कुछ तो बोनस वगैरह तो मिलना चाहिए ना मैं। नो सर, जैसे कि आप बीच में ही सर ये पॉलिसी जो है प्रीमियम ही पे नहीं करते हो तो कंपनी अपने आप पॉलिसी बंद करवा देती है और कंपनी डिसाइड करती है आपको कितना पैसा देना है। तो अगर तो प्रीमियम प्रीमियम आपको जो प्रॉब्लम जमा होती नहीं, है तो आप मेल कर सकते हो, हाँ आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मेल कर सकते हो सर, क्योंकि हम हाँ तो कस्टमर केयर है, जितना सिस्टम में शो हो रहा है उतना हम बता देते हैं। हाँ वो तो ठीक है, समझ रहे हैं, जी लेकिन 10 साल के बाद कुछ जब रिटर्न दे रहा है तो बोनस भी तो मिलना चाहिए ना, 6 साल जब प्रीमियम जमा किया है। सर, 10 साल सर मैं आपको बताना चाहूंगी सर, ये आपने 2015 में ही छोड़ दिया था ये पॉलिसी में प्रीमियम पे करना, हाँ तो तो इसमें जो है 2 साल का ही रिवाइवल पीरियड होता है। जो 6 साल 2015 तक जब प्रीमियम जमा किया, यानी 6 साल जब प्रीमियम जमा किया तो 6 साल क्या पॉलिसी नहीं चला? सर लेकिन उस टाइम पर जो है आपने प्रीमियम ही पे नहीं किया, जब आप प्रीमियम पे नहीं करते कंपनी अपने आप पॉलिसी बंद करवा देती है, तो ऐसा ही हुआ है यहाँ पर, तो तो ये कंपनी डिसाइड पॉलिसी, करेगी सर कितना देना है। अच्छा ये पॉलिसी मेच्योर हो चुका है क्या? मैच्योर सर, मैच्योर कैसी होगी सर, आपने पॉलिसी कंटिन्यू ही नहीं की है, ये हाँ जो है आपने बीच में ही छोड़ दी गई है, तो मैच्योर कैसी होगी। और आपने यहाँ पर जो है मैं बताना चाहूंगी 30,000 प्रीमियम पे किया था, तो आपके आपको जो है 29,526.34 पैसा इतना तो दिया गया है सर। सर ये जो है आपका मार्केट बेस्ड प्लान था, तो इसके वजह से ये फंड वैल्यू दी गई है, कंपनी भी डिसाइड नहीं की है, ये मार्केट बेस्ड प्लान था, तो आपकी फंड वैल्यू इतना शो रही है तो इतना ही दिया है आपको 5 साल बाद, इसका रिवाइवल 5 साल का होता है। अच्छा, जी तो ये फाइनल है क्या पे आउट? ये फाइनल है सर, ये फंड वैल्यू दी गई है सर आपको। आफ्टर 5 ईयर्स कुछ मिलेगा और या फिर खत्म? नहीं सर, खत्म सर, अभी पॉलिसी में कुछ भी पैसा नहीं है आपका। तो बोलिए ये जो चेक दिया गया है, ये कोई भी बैंक में इसको निकाल सकता है क्या यस, पैसा? इनकैश कर सकते हो। HDFC बैंक का जो चेक दिया गया है, ये कोई भी बैंक में जाके इसको निकाल सकता है? यस, पॉलिसी होल्डर के कौन से भी बैंक में जाकर इनकैश कर सकते हो। ओके okay. जी थैंक ठीक है फिर, ओके थैंक यू। यू सर।